हेलो एवरीवन, आई एम सोनू कनोजी एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी वेयर कंसेप्ट। देखिए, आज मैं आप लोगों को फिजिक्स के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो हमेशा से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या जा चुके हैं। तो देखिए, ये आने वाले एग्जाम, जैसे कि रेलवे ग्रुप बी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, RPF का है, उसका BDO का है, SSC GD का है, इन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग अभी से इन सब क्वेश्चनों को देख लीजिए ताकि आप लोगों को एग्जाम टाइम में दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परमाणु बम आधारित है। तो परमाणु बम आधारित है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम आधारित होता है नाभिकीय संलयन पे। उसके बाद आप लोग मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। तो ये आपके आंसर हो जाएगा चतुर्थ संयोजी। उसके बाद आप लोगों से पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया है, तो पॉजिट्रॉन की खोज एडिसन ने किया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कूलम आवेश बराबर है, एक कूलम आवेश बराबर क्या हो जाएगा, 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है आपसे, किसी तार का प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है उसके पदार्थ पर। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, पदार्थ पर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वाट घंटा बराबर होता है, 1 वाट घंटा बराबर होता है, आपका आंसर हो जाएगा 3.6 × 10³ जूल। उसका मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। तो देखिए, आप लोगों का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका विमान, आंसर सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है। आपका क्वेश्चन है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो हाइगेंस ने। आंसर आपका सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका लाल, सॉरी लाल आपका आंसर हो जाएगा। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। तो आंसर आ जाएगा व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप के चश्मे की पावर होती है, धूप के चश्मे की पावर होती है, आंसर हो जाएगा आपका 0 डायोप्टर, कोई उसमें पावर नहीं होती है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। देखिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, वायुमंडल प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, धूल कण, ऑप्शन नंबर ए है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि पास्कल किसका इकाई है। तो आंसर हो जाएगा ए, दाब। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो गई। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो गई, तो कांच हो जाएगा आपका आंसर ए, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। तो आंसर हो जाएगा आपका विकिरण द्वारा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मा स्टेट का कार्य क्या है। तो आंसर हो जाएगा आपका एक समान ताप को बनाए रखना है, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट स्केल पर किया गया है। तो आपका आंसर है 212 डिग्री। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा रहा है, केल्विन ताप मापी में बर्फ का गलनांक होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका 273 डिग्री केल्विन, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसका पूछा गया कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। तो ध्वनि का वेग जो होता है सबसे ज़्यादा होता है वो इस बात में, ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉलिड में होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। देखिए यहाँ पूछा है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो ये सॉलिड ठोस में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है। तो ध्वनि का वेग जो होता है वो सर्वाधिक कान में कितने समय तक रहेगा, 1/10 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका
बैंगनी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यक्ष, कीड़े, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी, तो प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी, तो रोमर ने, ऑप्शन नंबर बी। उसमें पूछा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश के बीच में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो आपका जो तरंगदैर्ध्य होता है वो घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, ऑप्शन नंबर ए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश तंतु जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डायनमो, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डायनमो सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के केंद्र का ताप कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.5 × 10^7 केल्विन, ऑप्शन नंबर ए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 × 10^16 न्यूटन पर वर्ग मीटर, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु रिएक्टर आधारित है, तो आपका आंसर हो जाएगा परमाणु रिएक्टर आधारित है किस पे आधारित है। देखिए परमाणु रिएक्टर जो होता है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे कुछ आज के क्वेश्चन थे, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।